लूडो, इस खेल को तो आप बखूबी जानते हैं। लूडो आज के समय का सबसे प्रसिद्ध खेल है। अपने कभी न कभी तो इस खेल को अवश्य ही खेला होगा। यदि हम इस खेल की जड़ों को ढूंढने जाए तो हमारे सामने आती हैं पौराणिक महाकाव्य महाभारत, वह घटना जिसमें पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। लूडो को उस समय पच्चीसी के नाम से जाना जाता था। महाभारत के युद्ध का कारण यह पच्चीसी का ही खेल था। सिर्फ महाभारत में ही नहीं बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं में भी पच्चीसी का उल्लेख मिलता ही है। पच्चीसी से संबंधित लगभग सभी हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। एक उदाहरण में श्री कृष्ण यह खेल सत्यभामा के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। एक मत तो यह भी है यह खेल कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शिवजी द्वारा खेला गया था। इतिहास में पच्चीसी का सबसे पहला उल्लेख हमें मिलता है 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत के सबसे प्रभावशाली राजा अकबर के दरबार में। उन्होंने फतेहपुर सीकरी के दरबार में एक विशाल पच्चीसी के बोर्ड का निर्माण करवाया था, जहां अपनी दासियों को खेल में प्यादों के रूप में इस्तेमाल करते थे और शानदार तरीके से पच्चीसी के खेल का लुत्फ उठाते थे। इस खेल पर किए गए शोध अनुसार यह खेल 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अकेले मैसूर में ही यह खेल 10 तरीके से खेला जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे भारत में कितने तरीके से खेला जाता होगा। इस खेल के 15 से 20 अलग अलग नाम हैं। हम इसे पगड़े, पच्चीसी, चौपट, चौंसठ, दायकटम, सौकटम और वर्जिस आदि नामों से भी जाना जाता है। पच्चीसी में 4 खिलाड़ी खेलते हैं, परंतु दक्षिण के राजा की बदौलत इस खेल में कई बदलाव आए। 19वीं सदी में मैसूर के राजा कृष्णराज वोडिया तृतीय की 4 पत्नियां थीं और 22 से भी ज़्यादा दासियां थीं और वे सभी अपत्नियों के साथ पच्चीसी का खेल खेलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 6 खिलाड़ियों वाला पच्चीसी बोर्ड बनाया और आगे चलकर उन्होंने 8, 12 और 16 खिलाड़ियों वाले पच्चीसी का निर्माण कराया, ताकि वो अपने सभी दासियों के साथ भी यह खेल खेल सके। महाराज भोडिया सिर्फ यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस खेल के कई बदलाव किए। पच्चीसी के बोर्ड पर उन्होंने नैतिकता जोड़कर इस खेल का रूप ही बदल दिया। उसमें अलग अलग पायदान पर कर्मों के अनुसार मनुष्य के अगले जन्म की कल्पना की गई है। जैसे यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके अगले जन्म में राज सिंहासन प्राप्त होगा। महाराजा वोडियार ने इस खेल को धर्म और चरित्र से जोड़ दिया गया।